अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज बेसिकली ये थ्योरी थी एडम स्मिथ की। इनका कहना ये था कि एक कंट्री, या अगर लेट सपोज दो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में और वो दो कमोडिटीज बनाती हैं, तो लाजमी सी बात है कि किसी एक कंट्री को एक कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल हो जाए। यानी वो कंट्री किसी वो एक आइटम बहुत अच्छे से बना सकती होगी बनिस्बत दूसरी कंट्री के, और जो दूसरा आइटम है वो लाजमी से बात है दूसरी कंट्री सबसे बेहतर बना सकती होगी पहली कंट्री के मुकाबले में। ये इनका कहना था और ये इनकी थ्योरी थी जो कि इन्होंने दी थी। इसके बाद उनका कहना था कि जब कंट्रीज को पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ वो बेहतर बना सकती है, तो वो उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, उसमें स्पेशलाइज करेंगी। यानी स्पेशलाइज का मकसद ये होता है कि अपनी सारी रिसोर्सेज को उसमें लगाएंगे, और लगाने के बाद पूरी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कहें या कह लें इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, ये मैं आपको फ़र्क बता दूंगा। तो उनका कहना ये था कि वो बस बेसिकली उनका कहना ये था कि जो है वो अपनी सारी रिसोर्सेज को जब वो लगा देंगी या अपनी स्पेशलाइज करेंगी उस चीज़ में, चाहे वो इनकम्प्लीट हो या कम्प्लीट हो, उसके बाद वो ट्रेड की तरफ बढ़ेंगी। और ट्रेड बेसिकली वो चीज़ है कि जिससे PPF प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से बाहर निकला जा सकता है। मतलब बाहर का मकसद ये कहते हैं कि आप उन कमोडिटी कॉम्बिनेशन जो कि PPF के ऊपर है उनसे ज़्यादा बढ़ के कोई और कॉम्बिनेशन भी हासिल कर सकते हैं ट्रेड के थ्रू। तो ट्रेड हमेशा उसी वक्त होगा जब दोनों कंट्रीज को कोई ना कोई गेन हो रहा होगा, गेन के अलावा वो कभी भी ट्रेड नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी थ्योरी आई थी वो आई थी डेविड रिकार्डो की, वो थी कंपैरेटिव एडवांटेज। इन्होंने ये चेंज करा उनकी एडम स्मिथ की थ्योरी में कि ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री को एक चीज़ में और तो दूसरी कंट्री को दूसरी चीज़ में एडवांटेज हो। ये भी हो सकता है कि किसी एक कंट्री को ही दोनों चीज़ों में एडवांटेज हो एब्सोल्यूट, और दूसरी कंट्री को दोनों चीज़ों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो। इसका मकसद क्या हुआ कि मुकम्मल तौर पे दोनों चीज़ें बेहतर अच्छी पहली कंट्री बना सकती हो और दूसरी कंट्री जो है वो दोनों चीज़ें ख़राब बनाती हो बनिस्बत उसके मुकाबले में, पहली कंट्री के मुकाबले में। लेकिन उन्होंने भी एक ट्रेड की सजेशन दी कि कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर ट्रेड हो सकता है। अच्छा, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, कंपैरेटिव बेसिस क्या हुआ? वो बेसिकली होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेस पे। यानी उसके बाद कंट्रीज अपनी जो भी वो चीज़ें बना रही है दोनों गुड्स को, वो उसकी कंपैरेटिवली उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगी और उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद डिसाइड करेंगी कि कौन सी चीज़ वो ज़्यादा बेहतर बना सकती है। यानी एक चीज़ हो गई आपकी कहलें का कहते हैं कि वीट हो गया और क्लॉथ हो गया लेट सपोज, तो दोनों चीज़ें लेट सपोज US अच्छा बना रहे हैं और UK ख़राब बना रहे हैं उसके मुकाबले में, बना तो वो भी रहा होगा लेकिन US के मुकाबले में वो अच्छा नहीं बना रहा, तो फिर US अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेगा कि किस चीज़ को, क्लॉथ को या वीट को, वो दोनों में से वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बेहतर बना सकता होगा वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा, और इस तरीके से जो UK वो भी देखेगा कि वो दोनों चीज़ें कंपेरेटिवली USA से तो दोनों चीज़ें हल्की बना रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अपने आपस में वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी बना रहा है, तो वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो इसको जब हम न्यूमेरिकली बताऊंगा मैं आपको, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसका मकसद क्या है। तो बस दोनों में जो फ़र्क होगा ना स्टार्टिंग में दोनों थ्योरीज में, वो ये है कि आपको ये निकालना आना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस चीज़ में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है और किस चीज़ में उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, या किस चीज़ में उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है और किस चीज़ में उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। तो जब आप वो निकाल लेंगे तो उसके बाद आप सारा काम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे कि चाहे वो एब्सोल्यूट एडवांटेज में करें चाहे वो कंपैरेटिव एडवांटेज में करें। अच्छा, इनकम्प्लीट और कंप्लीट के बारे में मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बोला कि स्पेशलाइजेशन में फ़र्क क्या है। देखें, ये बात याद रखिए, मैंने आपको जब पहले PPF दिखाए थे पिछली वीडियो के अंदर, वो थे कॉनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर थे। अच्छा, ऐसे केस में जब कॉनकेव हुआ तो उस वक्त इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी कोई भी कंट्री। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी रिसोर्सेज अपनी मुकम्मल तौर के ऊपर किसी एक गुड की तरफ नहीं लगा देगी, यानी उस गुड के ऊपर जो अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है सारी रिसोर्सेज उस तरफ नहीं लगा देगी, बल्कि कुछ वो दूसरी तरफ भी लगा के रखी रहेगी। लेकिन अगर कांस्टेंट कॉस्ट का होता है, कांस्टेंट कॉस्ट मीन कॉनकेव शेप नहीं होता जबकि बल्कि स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है या PPF होता है, तो ऐसे केस के अंदर कंट्री कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी और वो किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगी। यानी अगर लेट्स सपोज जैसे वो वीट अच्छा बना सकती है तो वीट में वो सारी रिसोर्सेज लगा देगी, और अगर वो क्लॉथ अच्छा बना सकती है तो क्लॉथ में लगा देगी, ठीक है। ये है इनकम्प्लीट और कंप्लीट का डिफरेंस।
अच्छा अब हम बात करते हैं, लेट सपोज मैं सबसे पहले आपको बस ये दिखा दूं कि अगर मैं मेरे पास कोई एक टेबल हो उसमें से मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज वाला निकालना हो कि कौन सी कंट्री किस चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है, तो मैं कैसे करूँगा। लेट सपोज आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक आवर, एक लेबर आवर है जो कि आपके पास है, और अब आप उसकी प्रोडक्शन देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी यूएस और यूके में और वीट और क्लॉथ। अब देखिए अगर वही एक घंटा यूएस जो है वो वीट बनाने में लगाता है तो लेट सपोज वो 6 यूनिट बना सकते हैं। अगर वो यूएस एक घंटा वीट से हटा के वो सारी रिसोर्सेज अपनी क्लॉथ में लगाता है तो वो 4 यूनिट बना सकते हैं लेट सपोज। अगर यूके वो एक घंटा जो है वो वीट में लगाता है तो वो 1 यूनिट बना सकता है, अगर वो क्लॉथ में लगाता है तो वो 5 यूनिट बना सकते हैं। अब ऐसे केस में आपको निकालना है एब्सोल्यूट एडवांटेज और ये देखना है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज आप कैसे निकालेंगे, आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि जैसे वीट, अब वीट दोनों जगहों पर अच्छा कहाँ बन रहा है। आपने देखा कि वही एक घंटा अगर यूके में लगे तो वो 1 यूनिट बन रहा है, जबकि यूएसए में वो 6 यूनिट बन रहा है। आपने क्लियरली कह दिया कि वीट यूएसए में अच्छा बन रहा है। क्लॉथ पे आप आए, क्लॉथ पे आपने देखा कि वीट क्लॉथ जो है वो यूएसए में उसी एक घंटे में 4 यूनिट बन रहा है और यूके में 5 बन रहा है, तो आपने कहा यूके क्लॉथ अच्छा बना रहा है। इसका मतलब ये कौन सी थ्योरी हो गई, ये एडम स्मिथ की थ्योरी हो गई। उनका कहना क्या था कि एक चीज एक कंट्री अच्छी बनाती है, दूसरी चीज दूसरी कंट्री अच्छी बनाती है। आपको यहाँ नजर आ गया कि यूएस वीट में अच्छा है और यूके क्लॉथ में अच्छा है, तो अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या बेसिस होगा अगर ट्रेड करेंगे, तो लाजमी सी बात है जिस चीज़ में वो अच्छा होगा उसको वो एक्सपोर्ट करेगा और जिस चीज़ में वो खराब होगा उस चीज़ को इम्पोर्ट करेगा। तो यहाँ यूएस वीट को एक्सपोर्ट करेगा, क्लॉथ को इम्पोर्ट करेगा, और जबकि यहाँ यूके क्लॉथ को एक्सपोर्ट करेगा और वीट को इम्पोर्ट करेगा। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी से हमने ये पता चला था। अगर एक ही चीज़, मतलब अगर आप कहते हैं कि अगर एक ही कंट्री को दोनों जगहों पर दोनों कमोडिटीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, यानी लेट्स सपोज ये 5 भी यहाँ लिखा होता और ये 4 यहाँ लिखा होता, तो हम कहते हैं कि क्लॉथ भी अच्छा ये बना रहा है, तो फिर हम किस बेसिस पे जाते हैं, फिर हम जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से देखते हैं। तो एक और टेबल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तो देखिए बेसिकली ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज का पार्ट। अब हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे आएंगे। अब देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज पे लेट्स सपोज आपके पास, आप कहने का कहते हैं कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है पर आवर ही आप कह लें, और पर आवर के अंदर जो दो लोग हैं, एक हो गया आपका लेज हो गया और एक हो गया जो, ये दो लोग हैं और ये प्रोडक्शन करते हैं, तो और ये लोग क्या क्या बनाते हैं, एक बनाता है स्मूथीज और एक बनाता है और एक कमोडिटी इनकी सेल। अच्छा एक आवर के अंदर जो क्वांटिटी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं वो क्वांटिटी मैं आपको बता दूं 30, 30 और 6 और 30, यानी ये इनकी प्रोडक्शन, यानी एक घंटे के अंदर लिस्ट जो है अगर वो स्मूथीज बनाना चाहे तो वो 30 यूनिट्स बना सकता है, अगर वो सैलेड बनाना चाहे तो वो भी वो 30 यूनिट्स बना सकता है, जबकि जो जो है वो अगर स्मूथीज बनाना चाहे तो वो सिर्फ 6 बना सकता है और सैलेड बनाना चाहे तो वो भी 30 बना सकता है। अब ये तो वो टेबल हो गया जो कि आपका एक आवर का, और आप इसको आपको देखना है। अब आप अगर हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं तो आप किस तरह जाएंगे, अब आप इसको अंदर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि आप सबसे पहले इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास वही तरीका है जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि देखें 30 स्मूथीज हैं ऐसे हम लिख दिया मैंने इसको, और 30 सैलेड्स हैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये कौन है, ये है लिज। लिज जो है वो इस बेस के ऊपर चल रहा है कि या तो वो 30 SM बनाए या वो 30 सैलेड बनाए, एक घंटे में वो कुछ भी बना सकता है, चाहे वो अगर अपनी सारी रिसोर्सेज सैलेड में लगाए तो 30 सैलेड बना सकता है, और अगर वो स्मूथीज में लगाए तो 30 स्मूथीज बना सकता है। अच्छा अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है, तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरीके से होगी, इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मकसद होता है कि अगर एक यूनिट आप सैलेड का एडिशनल बनाए तो आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी स्मूथीज को, मतलब कितना छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस 30 को उठाकर आप इधर ले आए, तो यहाँ देखें ये यह आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट सपोज इधर लेकर आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास जो कॉस्ट आएगी या जो वैल्यू आएगी वो 1 यूनिट ऑफ सैलिड की आएगी, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बच गया, तो 1 यूनिट ऑफ सैलिड किसके बराबर है, 30 मतलब 30, 30 मतलब 30, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है, इट मीन्स एक यूनिट ऑफ सैलिड की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो एक यूनिट ऑफ स्मूथी, ठीक है। इसका मकसद क्या हुआ कि आप ये क्लियरली बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब आपने निकाली
तो अगर आप इसके टेबल में इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखें तो वो क्या होगी आपके नजदीक? आप कहेंगे कि स्मूथी या सैलेड, जो लिस्ट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वन स्मूथी बनाने की वो कितनी है? वन सैलेड। और अगर आप कहें कि वन सैलेड बनाने की कितनी कॉस्ट है तो वो भी वन स्मूथी है। ठीक है, इसकी तो बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर वैल्यूज है। लेकिन यहाँ देखें, ये सिक्स स्मूथी बना सकता है या वो 30 सैलेड बना सकता है। तो अगर आप इस टर्म्स में आएंगे, तो अगर मैं कहूँ कि जो कि स्मूथीज बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक स्मूथी कितने सैलेड्स में वो बना सकते हैं, यानी एक स्मूथी को बनाने के लिए उसको कितनी सैलेड छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए क्या होगा, आप इस सिक्स को इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6 सैलेड्स। अब आप देखें, 6 6 6 6 6 30, यानी एक स्मूथी बनाने के लिए आपको 6 सैलेड्स छोड़नी पड़ेंगी। तो ये आपके हो गए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ जो फॉर स्मूथी। अगर आप इसका उलट कर लें, आप सैलेड के लिए देखें, तो सैलेड के लिए क्या आप इसको उल्टा कर लें, ये 30 सैलेड्स था तो आप इसको नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 30 SM, और एक सैलेड की आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक सैलेड बनाने के लिए आपको कितनी स्मूथीज छोड़नी पड़ेंगी? 1 6 1 6 और 6 5 30, यानी 1 अपॉन 5 स्मूथीज। एक सैलेड अगर आप बनाएंगे तो 1/5 स्मूथीज आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब देखें, ये टेबल आपके पास आ गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब इस बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज को है, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस के ऊपर निकालते हैं। अच्छा, ये भी याद रखें, मैं आपको साथ साथ बता चलूँ, जिस तरह हमने ये निकाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब अगर आप कहें क्या कहते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वही आपका प्राइस भी होगा, यानी रिलेटिव प्राइस भी आपके, क्योंकि ये रिलेटिव प्राइस ही कहलाएंगे एक तरीके से। क्यों? क्योंकि एक सैलेड को अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको कितना, या एक सैलेड को आप बना रहे हैं तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। लेट सपोज अगर आप जो का केस देखें, तो आपको एक सैलेड बनाने के अंदर आपको 1.5 स्मूथीज छोड़ना पड़ रही है। तो बेसिकली जो प्राइस है सैलेड की वो क्या है, जैसे हमने पहले देखा था मार्जिन बेनिफिट कर्व में और मार्जिन कॉस्ट कर्व में, उस पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे पीपीएफ के अंदर, तो यही था कि एक सैलेड बनाने के लिए आपको यहाँ पे 1/5 स्मूथीज छोड़नी पड़ रही है, यानी विलिंगनेस टू पे कह लें, या ये कह लेंगे, कहते हैं कि आपको जो कॉस्ट आपको जो पड़ रही है या जो प्राइस है आपका इन टर्म्स ऑफ स्मूथीज वो क्या है, 1/5। तो रिलेटिव प्राइस भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू रिलेटिव प्राइस। सही है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइस क्या है, अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस के ऊपर अगर आपसे पूछे कि सैलेड के प्राइस क्या है, तो सैलेड के प्राइस आप वही बताएंगे जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो आप बोलेंगे कि सैलेड की जो प्राइस है वो 1/5 है, ठीक है, और स्मूथीज की जो प्राइस है जो के लिए वो 6 है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और यही इसकी रिलेटिव प्राइस भी कहलाएगी। सही है? तो ये तो अभी तक यहाँ की बात हो गई। अब आप आते हैं, हम देखेंगे कि कंपेरेटिव एडवांटेज किसको है। अब देखें, लिस्ट जो है वो अगर स्मूथीज बनाते हैं, यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल के अंदर ये 6 6 6 5 30 होगा, तो ये 5 होगा, ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, सॉरी, तो ये 5 है, 5 स्मूथी। अब देखें, अगर मैं बात करूँ स्मूथीज की, तो स्मूथीज की अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस भी चीज़ की कम होगी वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए बनाना। क्यों? क्योंकि देखें, कॉस्ट जितनी ज़्यादा होती है उतनी आपके लिए मुश्किल है और आपके लिए ये ख़राब है। जिसकी कॉस्ट आपको कम पड़ रही है वो आपके लिए बनाना अच्छा है। तो देखें, लेस और जो में आप देखेंगे स्मूथीज कौन अच्छी बना रहा है, यहाँ उसको 5 सैलेड छोड़नी पड़ रही है, यानी इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि यहाँ इसको एक स्मूथी बनाने के लिए एक सैलेड छोड़नी पड़ रही है। तो हम कहेंगे कि स्मूथी लेस बनाएगा। अच्छा, जब आप सैलेड में आएंगे तो आप जो और लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सैलेड बनाने के लिए इसको एक स्मूथी छोड़नी पड़ रही है, जबकि यहाँ इसको 1/5 स्मूथी छोड़नी पड़ रही है, यानी 0.2 कह लें आप। तो ये जो है आपका, जब आप कैलकुलेट करेंगे 1/5 तो 0.2 बनेगा। तो बेहतर आपके लिए यहाँ पर ये है, यानी आप सैलेड जो है वो जो ज़्यादा अच्छा बना रहा है। तो देखें, इस तरीके से आपने कंपेरेटिव एडवांटेज इस तरीके से निकलता है, क्योंकि एब्सोल्यूट आप नहीं देख पा रहे थे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं कौन अच्छा बना रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 30 और 6 में तो आप कहते हैं ये अच्छा बना रहा है,
लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते कि दोनों 30 बना रहे हैं, तो मैं किसको कहूँ कि अच्छा बना रहे हैं। तो इसलिए फिर आप इन बेसिस पर आएंगे और इस बेसिस से आप निकालेंगे, और इस बेसिस से आपने निकाला कि जी लिस्ट जो है वो स्मूथीज अच्छी बनाता है और जो जो है वो सैलेड अच्छी बनाता है। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल गया कि लिस्ट जो है वो स्मूथीज बनाएगा, यानी वो स्मूथीज एक्सपोर्ट करेगा और सैलेड इम्पोर्ट करेगा। इसी तरीके से जो जो है वो सैलेड एक्सपोर्ट करेगा और स्मूथीज जो है वो इम्पोर्ट करेगा। ठीक है, हमने कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल लिया। कोई हमसे पूछे तो हम ये कहेंगे कि स्मूथी लिस्ट को स्मूथीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है और जो को सैलेड में कंपैरेटिव एडवांटेज है। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक के बात हो गई। अब जब आप जरा से इसके और आगे बढ़ते हैं, तो अब लेट सपोज मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ। अब मैं इनके ग्राफ्स आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपको ग्राफ थोड़ा क्लियर हो जाए। और यानी ये है आपका, कह लें आप लिस्ट का पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक्सट्रीम पॉइंट्स से क्या थे कि वो 30 ही सैलेड बना सकता था और 30 ही वो स्मूथीज बना सकता था, जबकि उसके दूसरे हाथ पर अगर आप देखें कंपैरेटिवली, तो जो जो था वो 6 यूनिट्स ऑफ स्मूथीज बना सकता था और 30 यूनिट्स ऑफ आप कह लें ये स्मूथीज हो गए 6 यूनिट्स और 30 यूनिट्स ऑफ सैलेड बना सकता है। ठीक है, ये मैंने इसके पीपीएफ बना लिया। और देखें अब क्या है, ये स्टेट बने, यानी ये कहलाते हैं आपका कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वरना कॉनकेव हो रहे थे। अच्छा, जब आप ये स्टेट हैं तो इसका मतलब, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले चलें, इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसका अटॉर्की पॉइंट क्या है। अब लेट सपोज, अब लाजमी सी बात है ट्रेड से पहले ये कुछ ना कुछ बना रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स अब आपके सामने ये बना चुके, अब वो करेगा क्या कि देखिए लाजमी सी बात है कि इससे पहले वो जब ट्रेड नहीं कर रहे होंगे तो उससे पहले वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होगा जो वो किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये दोनों क्वान्टिटीज का कोई कॉम्बिनेशन, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी के अंदर भी खाने के लिए हर चीज़ के लिए चाहिए होगा, तो लाजमी सी बात है वो अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब वो कॉम्बिनेशन लेट सपोज ये होता है कि 15 यूनिट्स आपके स्मूथीज के और 15 यूनिट्स आपके सैलेड के, ये हो गया आपका अटॉर्की पॉइंट। अटॉर्की पॉइंट होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन पॉइंट, यानी जितना प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उतनी ही कंजम्पशन भी हो रही होती है, और ये प्री ट्रेड होता है, प्री ट्रेड पॉइंट कहलाता है अटॉर्की पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से आप अगर इसको देखें, लेट सपोज आप जो को, तो जो लेट सपोज कर रहा है 5 पॉइंट्स और 5 और 5, यानी 5 पॉइंट जो है वो स्मूथीज के और 5 पॉइंट सैलेड के। ठीक है, अब ये भी इसका हो गया टॉर्की पॉइंट लेट सपोज। अच्छा देखिए, अब क्या होगा, मैंने आपको ऐसे बोला कि जो अगर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ना, तो फिर इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होगी, यानी वो सारी की सारी अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो किसी एक जगह पे नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमें अब ये तो पता चल चुका है कि स्मूथीज एक्सपोर्ट करेगा जो, यानी जो स्पेशलाइज करेगा स्मूथीज में और लेज स्पेशलाइज करेगा सैलेड में। ठीक है, सॉरी, जो जो है वो स्पेशलाइज करेगा सैलेड में और जो लेज है वो स्पेशलाइज करेगा स्मूथीज में। तो ऐसे नहीं होगा, कहते हैं कि दोनों जो है वो, अगर इनका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला यानी कॉनकेव पीपीएफ होता, तो ऐसा नहीं होता कि ये पूरी की पूरी जो है अपने रिसोर्सेज जो जो है वो सैलेड में लगाया था और लिस्ट जो है स्मूथीज में लगा देता, वो कुछ ना कुछ अपना दूसरी भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, इसलिए वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाते। लेकिन यहाँ है कॉन्स्टेंट कॉस्ट, तो कॉन्स्टेंट कॉस्ट की वजह से वो डायरेक्ट अपने पीपीएफ के एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यानी लिस ट्रेड करने से पहले लिस जो है वो अपनी ट्रेड के लिए एंगेज होने के लिए वो स्मूथी सारी की सारी स्मूथीज प्रोड्यूस करने लगेगा और वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पे स्पेशलाइजेशन पॉइंट उसका ये कहलाएगा और इसका स्पेशलाइजेशन पॉइंट सैलेड का ये कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं अटॉर्की पॉइंट का टेबल बनाऊँ, तो वो क्या होगा, स्मूथीज
सैलेड, लिस्ट और जो। तो अगर मैं स्मूथी और सैलेड का लिस्ट के लिए बनाऊँ तो वो क्या है 15 और 15, और ये है 5 और 5। ये है अटॉर्की पॉइंट का टेबल, यानी ये इस पॉइंट के ऊपर ये इतना इतना प्रोड्यूस करना है। अटॉर्की पॉइंट के ऊपर 15 स्मूथीज, 15 सैलेड लिस्ट के लिए, और जो जो है 5 5 कर रहा है, जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। अच्छा, जब उसने स्पेशलाइजेशन कर ली ट्रेड में इंगेज होने के लिए, क्योंकि ट्रेड में इंगेज होने के लिए उसको फिर अब चीज़ें बेचनी भी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसने सारी की सारी अब वो स्मूथीज बनाने लग गया। तो अगर मैं अब इनका टेबल बनाऊं तो अब कुछ टेबल इस तरह होगा कि लिस जो है वो स्मूथीज 30 प्रोड्यूस कर रहा होगा जबकि सैलेड 0, और जो जो है वो स्मूथीज 0 प्रोड्यूस कर रहा होगा जबकि सैलेड 30। ठीक है, अब लेट सपोज अब आती है ट्रेड की बात। अब इनके ट्रेड पॉइंट जो सेट होता है वो सेट कुछ इस तरह होता है कि 10 स्मूथीज इज इक्वल टू 20 सैलेड्स, यानी जो भी चाहे अब एक्सपोर्ट कर रहा हो या इंपोर्ट कर रहा हो, यानी जो भी जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा होगा, लेट सपोज जैसे लेज है वो एक्सपोर्ट करेगा स्मूथीज, तो अगर वो 10 स्मूथीज देगा तो उसके बदले उसको 20 सैलेड मिलेंगे। और जो जो है अगर वो क्योंकि एक्सपोर्ट करेगा सैलेड तो उसके लिए ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट इस तरह हो जाएगा, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है, सही है? तो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट उसके लिए क्या हो जाएगा, 20 सैलेड अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 10 स्मूथीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा जब इन्होंने ट्रेड सेट करा है। अब हम ये देखेंगे कि इनके लिए कितना बेनिफिशियल है और ये कैसे बेनिफिशियल है। अब देखें, अब हुआ क्या कि इस पॉइंट पे जो लोग आ गए थे, यानी ये जो है वो अभी इस पॉइंट पे, इसको मैं एस कह देता हूँ, और ये वाला पॉइंट भी एस हो गया, यानी ये इस पॉइंट पर है और ये इस पॉइंट पर है। अब ये लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि लिस्ट एक्सपोर्ट करेगा स्मूथीज तो वो 10 यूनिट स्मूथीज के सेल करेगा और 20 यूनिट उसको उसके बदले में मिल जाएंगे सैलेड के। तो देखें 10 यूनिट यहाँ से कम कर दें, 30 से 10 आप जब कम करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, मैं इसके पॉइंट को जरा दूसरे कलर से कर दूं, 20। अब ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका, इसको आप पूरा नीचे कर लेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 20 यानी 10 कम हो गए क्योंकि 10 सैलेड स्मूथीज चली गई और 20 सैलेड इसके बदले में इसको मिल जाएंगे। तो 20 सैलेड देखें, ये तो 15 का पॉइंट है, तो 15 के बाद 20 जो है वो थोड़ा इधर होगा। ठीक है, ये 20 हो गया। तो अगर आप इसको ट्रेस करें ऊपर और इसके साथ मैच करने के लिए, तो देखिए ये पॉइंट आपका क्या हुआ, पीपीएफ से बाहर चला गया। और यही मैंने आपको बताया था कि ट्रेड में जो बंदा इंगेज होगा तो वो इसी सूरत में होगा कि अगर उसको पीपीएफ से बाहर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, वरना वो नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपका कहला जाएगा टी पॉइंट, ट्रेड पॉइंट, यानी अब आप इतना ट्रेड के बाद हासिल कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहाँ आते हैं तो देखें ये यहाँ पर है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि 20 सैलेड इसको एक्सपोर्ट क्या करना है, सैलेड, तो ये 20 सैलेड एक्सपोर्ट करेगा और इसको 10 स्मूथीज मिलेंगी। अब ये 20 सैलेड जब ऐसे एक्सपोर्ट करेगा तो 30 ये पहले बना रहा है, 20 यहाँ से चली जाएंगी तो कितनी बच जाएंगी, 10 10, आप समझने को यहाँ पर होगा, और इसको क्या मिल जाएगा, 10 स्मूथीज। अब देखें टोटल ये 6 बना रहा है, तो 10 स्मूथीज के लिए कहाँ चली जाएंगी, समझ लें 7 8 9 और 10, समझने को यहाँ पर मैं कह देता हूँ। लेट सपोज ये 10 हो गया। अब इसको अगर ज़रा आप पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये पॉइंट देखें पीपीएफ से कितना बाहर चला गया, तो ये इसका ट्रेड पॉइंट होगा। तो यानी आफ्टर ट्रेड क्या होगा, ट्रेड करेंगे 10 से इसकी जो है वो 10, यानी आप कहने कहते हैं कि 10 स्मूथीज ये सेल कर देगा, सही है, और 20 सैलेड ये बाय कर लेगा, यानी इसको मिल जाएंगी। इधर उल्टा होगा, यहाँ पे 10 ये बाय करेगा स्मूथीज और 20 ये सेल करेगा सैलेड, ये लेज हो गया और ये जो हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो कंडीशन बचेगी इनकी, ये कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आफ्टर ट्रेड, तो आफ्टर ट्रेड इनके पास क्या कमोडिटीज बच रही है, देखें आप 20 स्मूथीज और 20 ही सैलेड्स, और यहाँ ये है लिस्ट का, और इधर क्या हो रहा है 10 स्मूथीज और 10 सैलेड्स। ठीक है, ये है जो का स्मूथीज और सैलेड्स। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि ये क्या हुआ कि आफ्टर ट्रेड ये कंडीशन रह गई। अच्छा, अब ये कंडीशन हो गई आफ्टर ट्रेड, ये तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये दोनों बाहर चले गए, यानी गेन तो इनको हुआ है, पर कितने का गेन हुआ है। तो देखें आप अटॉर्की पॉइंट से इसका अंदाजा लगाएंगे, अटॉर्की पॉइंट जब पहले ये लोग कंज्यूम कर रहे थे तो कितना कर रहे थे, ये देखें 15 15 और 5 5, यानी जो 5 स्मूथीज और 5 सैलेड कर पा रहा था अपने पीपीएफ पे रहते हुए, और ये 15 15, लेकिन अब ये 20 20 कर पा रहा है और ये जो 10 10। इट मीन्स अगर हम इनके कंपैरिजन के हिसाब से लगाएं तो अब स्मूथीज, यानी मैं कहता हूँ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, तो अब जो स्मूथीज हैं
उसमें कितने का फर्क आया, पहले 15 कर रहे थे 20 कर रहे हैं, यानी 5 यूनिट इंक्रीज आ गया प्लस 5। इसी तरीके से प्लस 5 कहाँ आया, सैलिड में भी, लेज में। और जो के पास क्या हुआ, जो पहले 5 कर रहा था अब 10 कर रहा है, और सैलिड भी 5 कर रहा था अब 10 कर रहा है। इट मीन्स इसको भी प्लस 5 का गेन आया, यानी ये गेन फ्रॉम ट्रेड था इनकम। ठीक है, किस तरीके से ये आपने देखा, आपको समझ आया होगा ये हो। अच्छा, अब इसी पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर लें, यानी ये स्पेशलाइजेशन पॉइंट था तो आप इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपकी बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपकी कहलाएगी ट्रेड लाइन। यानी कोई भी एक्सचेंज रेट आप रखेंगे, मतलब आप इस पॉइंट पे भी रह सकते हैं, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, ये इसको समझ लें आप कट ऑफ करके। जैसे लेट सपोज 5 SM और 10 सेलेक्ट कर लें, सही है, या 2 SM और आप कह लेंगे, कहते हैं अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो ये कितना बच जाएगा, अगर मैं 2 से इसको कैंसिल, अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये मेरे ख्याल में कितना 4 बच जाएगा। तो मतलब आप इसको ऊपर नीचे इसके ट्रेड के अमाउंट को प्रोपोर्शनली, यानी अगर ये 10 है 20 है, तो अगर इसको 20 करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेड लाइन ये आपकी सेट हो गई, यानी अब आप इसी पॉइंट्स के ऊपर मूव कर सकते हैं कहीं भी। तो और उस ट्रेड लाइन में से ये एक पॉइंट है इस ट्रेड एक्सचेंज रेट को देखते हुए। इसी तरीके से आप इस स्पेशलाइजेशन पॉइंट को जाके इससे कट कर देंगे, तो ये आपकी ट्रेड लाइन हो जाएगी जो की। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने पीपीएफ में भी देखा है कैसे आपको गेन नजर आया ग्राफिकली भी, और अटॉर्की पॉइंट, स्पेशलाइजेशन पॉइंट, या अटॉर्की पॉइंट था, ये स्पेशलाइजेशन था, ये वो पॉइंट था जब आप ट्रेड कर रहे थे कि आपने किस तरह ट्रेड करा इस इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट को देखते हुए, फिर ट्रेड के बाद ये क्वांटिटीज रह गई और फिर गेंस फ्रॉम ट्रेड आपको ये नजर आया। अच्छा, जिस तरीके से हमने कंपैरेटिव में करा है, इसी तरीके से हमने एब्सोल्यूट में वो वैल्यूज तो निकाल ली थी कि कौन क्या चीज करेगा, इसी तरीके से आप वहां भी करेंगे अगर आपको कोई एक्सचेंज रेट दिया हुआ हो, और आप मैचेस के आंसर बड़े इजीली तौर पे वहां से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लेन और लेंथी लेक्चर है, लेकिन ये एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है आपका एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरीज का, जो कि आगे इंटरनेशनल ट्रेड में चलता बहुत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इसलिए सिखाया गया ताकि आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी ये पार्ट, इनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बाद में जाके इन दोनों माइक्रो मैक्रो की ही सारी सब ब्रांचेस कहलाती है। तो ये मेरे ख्याल में आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसको थोड़ा देखिएगा थोरली तो समझिएगा। इसी तरीके से मैं फिर आपको एक और क्वेश्चन भी दूंगा और फिर आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।